उत्तराखंड, जिसे कि देवभूमि भी कहा जाता है, यहाँ पर अनेक परंपराएं, रीति रिवाजें और संस्कृतियाँ हैं। उन्हीं में से एक है जागर। जागर जिसका मतलब होता है जागृत करना या जगाना। जागर पूर्वजों की आत्मा की पूजा का एक अनुष्ठानिक रूप है, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल एवं कुमाऊं की पहाड़ियों में बहुत प्रचलित है। एक अनुष्ठान के रूप में जागर एक ऐसा तरीका है जिसमें देवताओं और स्थानीय देवताओं को उनकी सुप्त अवस्था से जगाया जाता है। यह रिचुअल देवी देवताओं के न्याय से जुड़ा हुआ है। इसमें देवी देवताओं का आह्वान न्याय मांगने या किसी समस्या का समाधान मांगने के लिए किया जाता है। संगीत वह माध्यम है जिससे देवताओं का आवाहन किया जाता है। गायक, जिसे जगरिया भी कहा जाता है, महाभारत या रामायण जैसे महान महाकाव्यों के संकेत के साथ देवताओं का एक गीत गाता है, जिसमें भगवान के कारनामों, कार्यों, संकेतों, संदेशों का वर्णन किया जाता है। ये परंपराएं लोक हिंदू धर्म का हिस्सा हैं और हिमालय के कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। हिमालयी क्षेत्रों में कठिन जीवन, प्रकृति की समस्याएं और असामान्य घटनाओं ने लोगों के दिलों में लोक देवताओं के प्रति एक मजबूत विश्वास को बनाए रखा है, जिन्हें कि बहुत सम्मान दिया जाता है। प्रत्येक गांव का एक अपना देवता होता है, जिसे भूमिहाल या क्षेत्रपाल कहा जाता है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा करता है, और प्रत्येक परिवार का अपना एक कुल देवता या कुल देवी होती है। इसके अलावा कई अन्य परोपकारी देवी देवता थे जो लोगों को पुरस्कृत किया करते थे। साथ ही दुर्भावनापूर्ण आत्माएं भी थी जो लोगों को पीड़ा दे सकती थी। इस समय की पीढ़ी अपनी परंपराओं और संस्कृतियों को बहुत कम महत्व देते हैं। शायद यही वजह है कि हमने कई पौराणिक देवी देवताओं को खो दिया है, क्योंकि उन्हें अब कोई सुप्त अवस्था से जगाने के लिए आवाहन नहीं करता, या फिर उन्हें एकेश्वरवादी प्रथाओं में शामिल कर लिया है। हिंदू धर्म और कुल देवता परंपराओं का एक मजबूत संबंध है, जिन्हें कि केवल कुमाऊं, गढ़वाल और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में ही आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ भी ये परंपराएं अब कम होने लगी हैं, क्योंकि अब लोग अपनी संस्कृति को कम महत्व देने लगे हैं। जागर समारोहों के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला है देव जागर, जिसमें देवताओं का आवाहन किया जाता है। दूसरा है भूत जागर, जिसमें मरे हुए व्यक्ति की आत्मा का आवाहन किया जाता है। और तीसरा है मसान पूजा, जिसमें मसान का आवाहन किया जाता है। जागर में मुख्यतः तीन लोगों का विशेष महत्व होता है, जगरिया, डंगरिया और सौकर। जगरिया देवताओं के गाथा गीतों का गायक है, जो अनुष्ठानों का नेतृत्व करता है और देवताओं का आवाहन करता है। जगरिया को दो या दो से अधिक पुरुषों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो उनके साथ गाथा गीतों को गाते हैं। डंगरिया एक माध्यम है जिसके शरीर का उपयोग देवताओं द्वारा अवतार लेने के लिए किया जाता है। सौकर वह व्यक्ति है जो अपनी समस्याओं के लिए जागर का आयोजन करवाता है। जागर सौकर के घर पर आयोजित किया जाता है और देवी देवता सौकर को उसकी समस्याओं का समाधान दिलाते हैं। जिस कमरे या जगह में जागर का प्रदर्शन किया जाना है, उसे जगरिया द्वारा बारीकी से प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है। होमा के लिए धूणी या पवित्र अग्नि जलाई जाती है। जागर में उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं हुड़का, डमरू, ढोल, दमाव एवं थाली। ये सभी पेशेवर संगीतकारों द्वारा बजाए जाते हैं। अपने धार्मिक पहलू के अलावा जागर अपने गीत एवं गायन शैली के महत्व से उत्तराखंड का एक अभिन्न हिस्सा है। जागर के दौरान गाए जाने वाले विभिन्न गीत कुमाऊनी एवं गढ़वाली भाषा के विशाल लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उम्मीद है कि लोग इस महान साहित्य, परंपराओं और संस्कृतियों को कभी विलुप्त नहीं होने देंगे, और मेरे इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य भी यही है।